हेलो फ्रेंड्स, यह सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में अधिकतर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं जो हर सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। यह चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरेटिकल, ये अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसे रट लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पद्धति में माइक्रोमीटर का अल्पत माप यानी लीस्ट काउंट पूछा है, तो इसका आंसर है 0.001 इंच। सेकेंड क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का सिद्धांत आधारित है, तो आंसर है नट एवं बोल्ट पर। क्या आंसर है? नट एवं बोल्ट पर। तीसरा है, एक माइक्रोन का मान यानी एक माइक्रोन का मान पूछा है, तो फ्रेंड्स है आंसर है 0.01 mm। चौथा है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पेंडल पर पिच की चूड़ी कटी होती है यानी ब्रिटिश माइक्रोमीटर में कौन से चूड़ी कटी होती है, कितना? 1/40 इंच। आंसर है 1/40 इंच। पांचवा है, माइक्रोमीटर मेट्रिक माइक्रोमीटर किस रेंज में मिलते हैं, तो आंसर है 25 mm। क्या आंसर है? 25 mm। छठवां है, मेट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पत माप यानी लीस्ट काउंट होता है, तो आंसर है 0.0001 mm। आंसर दिखाई दे रहा है। सातवां है, ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पत माप लीस्ट काउंट होता है, तो आंसर है 0.0001 इंच। आठवां है, माइक्रोमीटर का फ्रेम किस धातु का बना होता है यानी जो माइक्रोमीटर का फ्रेम है वो किस धातु का बना होता है, तो आंसर है इन वायर स्टील। यहाँ आप देख लीजिए, इन वायर स्टील, ये इसका आंसर है। नौवां है, माइक्रोमीटर का स्पिंडल तथा एनविल के फेस किस धातु के बने होते हैं, आंसर है टंगस्टन। आंसर है टंगस्टन। दसवां है, मेट्रिक माइक्रोमीटर की स्लीव पर डेटम लाइन को मेन डिवीजन तथा सब डिवीजन में बांटा होता है, तो आंसर है मेन डिवीजन 25, सब डिवीजन 25। दसवां दीजिए, देखिए, मेट्रिक वर्नियर कैलिपर का अल्पत माप, आंसर है 0.02 mm। ग्यारहवां है, ब्रिटिश प्रणाली में वर्नियर कैलिपर का अल्पत माप, आंसर है 0.001 इंच। नाम साफ साफ दिखाई दे रहा है। बारहवां क्वेश्चन है, मेट्रिक डायल कैलिपर का अल्पत माप, तो आंसर है 0.02 mm। तेरहवां है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पत माप, आंसर है 5 मिनट। अधिकतर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं तेरहवां, ये एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, इसे आप कंफर्म देख लीजिएगा। कुछ लोग 1 मिनट या डाल देते हैं या 1 सेकंड डाल देते हैं, तो हमेशा याद देखिएगा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर 5 मिनट का होता है। इसमें बहुविकल्पी में एग्जाम में 1 सेकंड भी दिया होता है, 5 मिनट भी दिया होता है, तो आंसर देख लीजिएगा। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किनारे का कोण बाने होते हैं, तो आंसर है 45 से 60। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आपने तो देखा होगा, वो 45 से 60 के कोण पर बने होते हैं। पंद्रहवा है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को न्यूनतम कोण संज्ञा का प्रयोग को चेक करने के लिए किया जाता है, तो न्यून कोण, आंसर है न्यून कोण। सोलहवा है, वर्नियर की परिशुद्धता अल्पत माप लिस्ट काउंट क्या होता है जब 19 MSD इज इक्वल टू 20 VSD हो, तो आंसर है 0.02 mm। सत्रहवा है, वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मेन स्केल होती है, तो आंसर है बीम। अठारहवा है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग मापते समय आधार का कार्य करता है, आंसर है स्टॉक।
उन्नीसवा है वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर की पर मेन स्केल चिन्हित की होती है डिस्क पर, आंसर है डिस्क पर। ये भी अधिकतर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, ये 18, 19 ये भी एग्जाम में अधिकतर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। 20वां है वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के एम एच डी का मान है 1 डिग्री, आंसर है 1 डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 डिग्री। 21वां है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का वी एच डी मान है 5 मिनट। ये दोनों आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि यह पूछते हैं आंसर, ये क्वेश्चन पूछते हैं। प्लीज इसे पूरे क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा, ये कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, चाहे फोर्थ सेमेस्टर को चाहे थर्ड सेमेस्टर का। अब बाईसवां है वर्नियर हाइट गेज में आधार बटे डेटम कौन सा है, तो आंसर है आधार। 23वां है वर्नियर हाइट गेज का वह कौन सा भाग है जिस पर मेन स्केल के भाग अंकित होते हैं, आंसर है बीम, आंसर है बीम पर अंकित होते हैं। 24वां है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का वह भाग जो कोणीय सतह को छूता है, आंसर है ब्लेड, क्या है कोणीय सतह को छूता है ब्लेड। 25वां है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का वह भाग जो कोणीय सतह के साथ आधार बटे 20 का कार्य करता है, तो आंसर है स्टॉक। 26वां है वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का वह भाग जिस पर मेन स्केल चिन्हित होती है, आंसर है डिस्क, आंसर है डिस्क। 27वां है वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के एक भाग का मान, ये देखिए ये भी पूछता है क्वेश्चन में, एक भाग का मान तो 1 डिग्री 55 सेकेंड। अट्ठाईसवां है वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के मेन स्केल के एक भाग का मान, ये भी पूछता है, ये सारे क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाने वाले हैं, इसे प्रिपेयर करिए। तो क्या है 28वां, 1 डिग्री, आंसर है 1 डिग्री। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के मेन स्केल का के एक भाग का मान होता है 1 डिग्री। तो दोस्तों ये अधिकतर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज इसी जरूर याद कर लें। यह भले ही मैं किसी बुक से अपलोड किया हूँ आपको हेल्प मिले, क्योंकि किसी किसी बुक में ये क्वेश्चंस दिए ही नहीं होते हैं, आपको पढ़ने पड़ते हैं खोज कर, तो इसलिए मैं दिया हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक कमेंट जरूर करें। हाँ, जो फर्स्ट टाइम देखे हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छी वीडियो लगी हो तो शेयर जरूर करें, अगले को फायदा हो।